जयनगर प्रखंड के अंतर्गत लोहा डंडा गांव में पिछले 10 सालों से विलुप्त बिरहोर जनजाति के लोग निवास करते हैं, जहां पर न पीने योग्य पानी है, न रहने योग्य घर और न ही बच्चों के लिए विद्यालय। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूरी पर यह गांव स्थित है, इसके बावजूद भी सभी सरकारी योजनाओं से वंचित है। हाँ, आप लोग यही सब घर में रहते हैं? हाँ, यही घर में रहते हैं हम लोग। तो आप लोग कॉलोनी नहीं मिला है? नहीं मिला। हाँ, क्यों नहीं मिला? आप लोग कभी लिख के भेजे? लिख के भेजे बहुत सारा, लेकिन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे। आप लोग यही पानी पीते हैं भैया? हाँ, यही पानी पीते हैं। पानी गंदा नहीं है? गंदा होता है तो क्या करें। तो यहाँ पे चापाकल है? नहीं नहीं है। लेबर काट होगा एक आदमी का शायद, अरे किसको किसको बना था उसको भी नहीं है। अभी आपके पास है कि नहीं? हमारे पास है, हमरे वाला तो बोल रहे हैं लेबर काटना है। हाँ, लेबर काट है। तो उस पे काम मिला है? नहीं, काम नहीं मिला। नहीं मिला। काम मांगने गए थे? नहीं नहीं गए थे काम मांगने। अब काम मांगने जाएंगे वहाँ ब्लॉक पर? नहीं नहीं जाएंगे। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो छोड़िए, जंगल से गुजारा कर लेंगे। यहाँ कोई आके बताता है इन लोगों का? कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता, हम ही लोग आते हैं। ये बनाता है पानी घीचे वाला बर्ती, बाजार में बेचते हैं? ना, घर में यूज करते हैं। जेकरा बोरा देता है ना उसको लेके देता है पानी। कितना मिलता है तो आपको क्या देता है इसके बदले में? पैसा देता है, कभी चावल देता है 100 रुपया, 150, कभी चावल देता है, कभी 200। आप लेने जाती हैं कभी? आप गई हैं सामान लेने? चावल सरकार भी मार खाएगा। दुकान है? नहीं, दुकान नहीं, राशन वाले तो वहाँ खाली चावल देता है। तो उसमें जो ये तेल में भी किया हुआ है, चढ़ाया हुआ है, तेल कुछ नहीं देता है, चावल देता है और कुछ नहीं देता। इस वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से नम्र अपील करती हूँ कि कोडरमा उपायुक्त डीसी प्रवीण शंकर को 9934935997 पर कॉल कर दबाव बनाए कि लोहा डंडा गांव के बिरहोर परिवार को पीने योग्य पानी, रहने योग्य घर व विद्यालय एवं सरकार से मिलने वाले सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। मैं विनती विश्वकर्मा, जिला कोडरमा, झारखंड से इंडिया अड़हर के लिए डिम्पी देवी के साथ।